अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह जी, उठ गए हैं। बहु वड्डा गुड मॉर्निंग थी गया, वड्डा सारा उठ जरा है। वाह सिंह, वाह गिट्टू लाते वैसा वाला है। वाह सिंह, वाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है। वड्डा वड्डा गुड मॉर्निंग थी गया, गुड मॉर्निंग। उठ जरा। इतना बड़ी चलते है ना, इतना तो उठाया भी नहीं जाएगा भाई। ये खैर है, रस्सी शस्सी इधर रखी हुई है, किसी को बांधने का है क्या? नहीं यार, ये रस्सी ले आया था मैंने, कहा वो झूला जो खड़ा है ना। हाँ अच्छा, ये वाला। हाँ, इसको जो है ना नीचे काट दो थोड़ा, रस्सी पाक है। अच्छा, इस पे बच्चे मतलब झूला झूलेंगे? हाँ, लेकिन वो ना ऊपर हाथ नहीं जाता, ऊपर हाथ वो ऊपर तो नहीं जाएगा ना हाथ, इसलिए फिर इधर पड़ी है। वो स्टूल पड़ा है, स्टूल ले आएंगे, खैर बनाएंगे। सही हो गया। चले, नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया, ढोला भी साथ खा रहा था, ढोला अब भी चला गया है। इसका मतलब है ढोला भी फुल हो चुका है, हम भी। सही, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर, शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हो? जी जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है सुल्तान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुल्तान ब्लॉग। रहना मेरे साथ, जाना के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो पहली बार आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट सुबह के रूटीन के साथ, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि मुझे एक ना ज़रूरी काम जाना है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं तैयारियां शेयरियां करके? नहीं कहीं नहीं जा रहे, वैसे बस नहलाया है, बच्चों को रेडी किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हैदर रेडी हो गए? खड़े हो जाओ, चलो भाई को दिखाओ भाई। चलो खड़े हो जाओ, दिखाओ उधर भैया को। वाह जी वाह, इधर 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 देखो, इधर इधर देखो, वो इधर देखो। वाह जी वाह, तो सोने बन गए हो। अच्छा कहता है सोना बन गया हूँ आज। कार पे जा रहे हो? किधर जा रहे हो? कार पे क्या करन? ऐसे ही। कार पे क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो कार पे? इस कार पे जा रहे हो? इस कार पे? कहते है इस कार पे जा रहा हूँ। अंदर बैठो तो सही, बैठ सकते हो। एक पांव तो, एक उंगली तो रख के दिखाओ। हंसता है फिर। नाश्ता वगैरह कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब मेरी देर है नाश्ता करने की। हाँ जी। चलो सही हो गया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता जो है ना तैयार है, अभी नाश्ता करते हैं। तो आ जाएं, आप कहाँ पे बैठे? दो चौकी हैं, एक पे आप बैठो, एक पे मैं बैठूं। फिर आप इधर बैठोगे ना? आप इधर आ जाए। सही हो गया, मैं जी इधर बैठ जाता हूँ और आप उधर बैठ जाओ। नाश्ता माशाल्लाह रेडी है, ये देखें। तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। जाना भी है खानपुर, कुछ काम करने हैं। हाँ। एक दो वो भी बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी खाना खा के फ्रेश होना है, तो उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह। नाश्ता जो है ना मेरे पास आ चुका है, तो अभी नाश्ता करते हैं स्टार्ट। तो जिसने मेरे साथ नाश्ता करना है वो आप कर सकता है नाश्ता। तो मैं जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस तैयारी जो है ना मैंने कर ली है, नहा ली है। तो अभी जो है ना नवीद को मैंने बुलाया, क्योंकि मेरे पास सवारी नहीं थी, तो जिस पर जो है ना मैं बैठ के जाता, तो नवीद की बाइक है ना, तो फिर उसी को मैंने बुला लिया। तो अभी जा रहे हैं हम शहर की तरफ, तो अभी जाना है वो फटाफट काम करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना 2 घंटे हैं सिर्फ। तो उसके बाद जो है ना फिर वापस भी आना है, लेट हो रही है नवीद भाई को। और यहाँ पर मामू असलम का गेट भी जो है ना कलर हो रहा है, भाई जो है ना कलर कर रहे हैं। क्या हाल है ब्रदर? ठीक है, तबीयत से ठीक है? और मामू भी कहीं पर काम जा रहा है। चलें,
खट्टा लो जी फाटक बंद खट्टा पहाड़ निथा चूहा हो मोया होया जितना भजाए से हुए फाटक बंद है। फाटक पे जो है ना हमें आधा घंटा पूरा लग गया। आधा घंटा रुकने का मकसद क्या है हमारा वो मैं आपको बताता चलूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि दो ट्रेनें एक साथ आ गई थी, एक इधर से और एक इधर से, तो इसी वजह से जो है ना फाटक ज़्यादा देर तक बंद रहा, जिस वजह से हम वहाँ पर रुक गए थे। तो अभी पहुँचे हैं नवीद के घर में, क्योंकि यहाँ से पूछना है, जा रहे हैं हम शहर तो बच्चों को लेने जाना था ना स्कूल से, फिर उसके बारे में जो है ना पूछना था घर से कि हम शहर जा रहे हैं फिर बच्चों को जो है ना कौन ले आएगा स्कूल से, ये पूछते हैं जाके, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होते हैं हमारे साथ। चलें तो जो है ना हमने यहाँ से ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इजाज़त जो है ना हमें मिल गई है। चल नवीद लेट हो रही है, जल्दी चल। अभी जो है ना चलते हैं शहर, फिर वहाँ पे जितने भी काम करने हैं वो आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। लेट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, 200 को दे दें। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी खाला के घर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी कि दो दिन पहले, तो वहां पर जो है ना उनके लिए ना थोड़ी सी इमदाद आई हुई थी, वो मैंने उनको देनी थी, तो उनकी अमानत जो है ना मैंने उनके पास पहुंचानी थी। शहर गया था, वहाँ से थोड़ा काम करने थे जो वो मैंने किए हैं, क्योंकि लेट तो हो गया हूँ, काफ़ी सारा टाइम हो गया है। तो अभी जो है ना जाके उनसे मिलते हैं, फिर जो उनकी अमानत है ना वो उनको देते हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर आगे का सोचते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी चलते हैं उनके घर की तरफ। तो फिर आज भी जो है ना काफ़ी लोग जो है ना कॉमेंट में बातें कर रहे थे कि जो आपने वीडियो लगाई है, जो मैंने वीडियो लगाई है उसमें जो है ना जो एक बुज़ुर्ग है वो और जो अम्मा जी है ना वो दोनों, तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये आपस में मतलब मियां बीवी तो नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं तो ये आपस में जो है ना मियां बीवी हैं, क्योंकि जो चाचा जी हैं ना बुज़ुर्ग हैं उनकी एज जो है ना बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से ना उनकी जब शादी हुई तो मतलब जो अम्मी की है ना आंटी की एज है ना उनकी एज कम थी, इसी वजह से जो है ना आपको डिफरेंट लग रहा है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, वो मियाँ बीवी ही हैं। तो फिर इंशाल्लाह जाके आपको मज़ीद भी उनसे डिस्कस करवाता हूँ, तो मज़ीद भी जो है ना उनसे पूछते हैं, तो उनकी जो अमानत है ना वो भी उनसे उन तक जो है ना पहुँचाते हैं। अगर वहाँ पर जो है ना हम पहुँच चुके हैं और नवीद भाई भी जो है ना मेरे साथ हैं, चलें अब। तो अभी ये देखें ये गली है, यहाँ से अभी एंटर होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुझे? ठीक है, तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है माशाल्लाह, और बच्चे भी सब ठीक है माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी बाबा जी दुआ किता करो बहुत ज्यादा जी आज तो मोहताज क्या करो। अच्छा मेरे गने ना काफी सारे सवाल आंदे बिन द्वारी वीडियो दे उत्ते कि तुसे ना आपते च क्या लगदे वे मियां बीवी है वो अखेंदन के थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि बाबा जी दी उम्र ना ज्यादा है और थोड़ी उम्र जे ना कम है इंदे विच क्या दसा दियो तुसा भैया क्यों रोला के वो तो मेरे को पता है ना कि जी लेकिन तुसा देखण वाले ना जिवें तुसा है वे सारे जरे देखण हां शाश बशाश हम अच्छा माशाल्लाह भैया भाई जी जी मगर आज ये टाइम जो आ गए ए नशे वपरा दुनिया जहान दा शरीफ तेरे मेरे बस में जी जी शुगर खा गई शेर जवान शेर जवान हम तो हले बरका। अच्छा चलें अल्लाह खैर करेगा तो जितने भी जो है ना सवालात जवाबात मेरे साथ करने वाले थे इस वीडियो पे उनको पता चल गया होगा आपके ये जो है ना आंटी और जो है ना अंकल ये मियां बीवी हैं तो आप सब लोगों को पता चल जाना चाहिए इनके जो है ना चार बच्चे हैं ये जो इनकी छोटी सी फैमिली है मतलब चार बच्चे और दो खुद हैं और इनके घर में करने वाला कोई भी नहीं है जो मतलब कमाई करके जो है ना खिला सके। तो आपको पता है कि औरत साथ जो है ना वो तो काम कर भी नहीं सकती तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं फिर उनको कैसे पालना होता है वो तो फिर आप ही जानते होंगे। तो अभी जो है ना मैं आप लोगों के लिए पास आया था ना तो आप लोगों की अमानत थी जो है ना आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए ठीक है ये लें अल्लाह तेरे कारोबार च रिश्ते बरकतां पे गिनती करे कितने हैं जोर से बोले 10,000 तो ये जो है ना आपको अल्लाह की तरफ से जो है ना मदद आई है ठीक है ना हेल्प आई है तो जिसने भी मतलब भेजा है तो नाम तो हम नहीं ले सकते लेकिन जो है ना ये समझें कि अल्लाह की तरफ से जो है ना उन्होंने भेजा है ठीक है तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने ठीक है ना। तो बाबा जी बहुत सारी दुआएं करनी है जी खेला पाक जो है ना उनको सेहत अता करे ठीक है ना तो जितने भी उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं ठीक है ना। आपकी अमानत ये है आप अपना इससे खर्चा करें अखराजात पूरे करें घर के जितने भी हैं तो बाकी भी जो है ना इंशाल्लाह अगर कोई होगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको अमानत आपके पास पहुंच जाएगी ठीक है। बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था और शहर में भी गया था तो क्योंकि कुछ जो है ना इमदाद आई हुई थी अंकल वालों की तो जो है ना वो मैं उनको देने के लिए आया था तो आप लोग भी जो है ना जिससे भी हो सके तो भी क्योंकि हम भी जो है ना इंशाल्लाह कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात जो है ना कैसे हैं यहाँ पर ये लेकिन आपको ये बताता चलूँ तो जैसे ये अंकल और आंटी हैं ना ये बिल्कुल हकदार हैं जो है ना हेल्प के तो पाकिस्तान के आपको हालात का बिल्कुल पता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो यहाँ पर क्या हुकूमत किसी की इमदाद करती है या क्या कुछ देती है या कुछ भी नहीं तो बस ये है कि इनके बारे में जो है ना हमें सोचना चाहिए हम नौजवान नस्ल है ना हमें जो है ना सोचना चाहिए क्योंकि आज तक मैंने अपने चैनल पर हेल्प की वीडियो नहीं लगाई कभी लेकिन ये जो नज़ारा था ना मेरे सामने आया और मैंने आप सब बहन भाइयों से जो है ना शेयर कर दिया है तो शेयर करने का मकसद आपको पता होगा कि क्यों है तो जैसे जो है ना इनकी हेल्प हुई है कहीं से अल्लाह पाक जो है ना उनको तंदुरुस्ती अता दे उनको और ज़्यादा दे क्योंकि जो है ना और ज़्यादा वो हेल्प करने के करें अल्लाह पाक उनको ज़्यादा देना और ज़्यादा हेल्प करें तो इस तरह आप भी जो है ना देख लें जितना भी फुर्सत होती तो आप भी इनके बारे में सोच सकें। तो अभी यहाँ से होते हैं रवाना इजाज़त लेते हैं ठीक हो गया इजाज़त है कहना कुछ है कहना कोई चाह कहना ठीक है बाबा जी नहीं नहीं कुछ नहीं कोई मसला ही नहीं बाबा जी कोई मसला ही कहनी कोई मसला ही कहनी मैं आपको तुम्हारी चाह थी गई हाँ भी मुन्ने चले नवीद भाई।
चले जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जिन्होंने हेल्प की है इनकी, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मेरे भी दिल को थोड़ा सा सुकून मिला है कि चलो कुछ ना कुछ जो है ना खाने को जो है ना उनको मिल गया है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो है ना इंशाल्लाह इनकी अपनी तरफ से इंशाल्लाह हेल्प करता रहूँगा। तो जहाँ से भी इनकी हेल्प आएगी वो भी बामान जो है ना इनके पास जो है ना पहुँचाता रहूँगा। तो आप लोगों ने दुआ करनी है के आंटी अंकल जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब है, तो अल्लाह पाक जो है ना उनको बहुत ज़्यादा दे, तो क्योंकि अल्लाह पाक ही देता है सबको। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना उनको बहुत ही ज़्यादा दे। तो जिसने उनकी हेल्प की है अल्लाह पाक उनको भी बहुत ज़्यादा दे। तो अभी अपनी वीडियो का यहाँ पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो मुकम्मल हो रही है, अभी अपलोड भी करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।